धूमधाम से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। इस बार खबर है करहल से। बताते चले हैं कि कस्बा में संचालित कई शिक्षण संस्थाओं में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई है। इस मौके पर कस्बा के संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद के चित्र श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्कूल की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर आए पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। बताते चलें कि जैन इंटर कॉलेज, नरसिंह यादव इंटर कॉलेज, आज़ाद सिंह इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से डॉक्टर जय प्रताप सिंह, सरिता यादव, सोहित यादव, प्रधानाचार्य यदुवीर नारायण दुबे, हरिओम यादव, प्रधानाचार्य श्रीमती मंजूस दत्ता यादव और छात्राएं रहे। धूमधाम से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। इस बार खबर है करहल से। बताते चले हैं कि कस्बा में संचालित कई शिक्षण संस्थाओं में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई है। इस मौके पर कस्बा के संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद के चित्र श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्कूल की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर आए पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। बताते चले कि जैन इंटर कॉलेज, नरसिंह यादव इंटर कॉलेज, आज़ाद सिंह इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से डॉक्टर जय प्रताप सिंह, सरिता यादव, सोहित यादव, प्रधानाचार्य यदुवीर नारायण दुबे, हरिओम यादव, प्रधानाचार्य श्रीमती मंजूस दत्ता यादव और छात्राएं रहे। शानदार कार्यक्रम किए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे क्षेत्र का बहुत ही अच्छा शिक्षण संस्थान है, संत विवेकानंद स्कूल। आज विवेकानंद जी की जयंती वर्षाले कार्यक्रम में आयोजित होता है, उसमें आज शामिल होने का मौका मिला। बहुत अच्छे कार्यक्रम बच्चों ने आज यहाँ प्रस्तुत किए और मैं स्कूल को आगे बढ़ने की कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। सर, आज जो कार्यक्रम था पूरा, क्या रहा पूरा कार्यक्रम आपके बच्चों का? जी, आज विवेकानंद जयंती थी और विवेकानंद जी को पैदा हुए आज 160 साल हो गए हैं। तो ये विद्यालय विवेकानंद जी के नाम से है। मैं प्रतिवर्ष विवेकानंद जयंती को धूमधाम से मनाता हूँ। ये विद्यालय का मेरा कार्यक्रम है। मैं समाज को तमाम संदेश देने के लिए कार्यक्रम चलाता हूँ और उनके आदर्श पर चलने का संकल्प भी लेता हूँ और बच्चों को भी दिलाता हूँ। जिस तरह बच्चों ने जो है प्रतिभा किया और अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, उस पर बच्चों को किस तरह आप आशीर्वाद देंगे? बच्चों में देखिए सब कुछ छिपा होता है। ये कहना कि बच्चे पूरे कागज़ होते हैं ऐसा नहीं है। बच्चों के अंदर सारी प्रतिभा छिपी होती है, बस उन्हें निखारने का काम होता है। और जो विद्यालय जो अध्यापक बच्चों को ठीक से समझाते सिखाते हैं तो उनकी प्रतिभा निखर के आती है और सामने आता है। वही यार आपने देखा है, हर बच्चा तैयार है और बहुत अच्छे से कार्यक्रम पेश कर रहा है। जैसा कि अभी आपने ये बताया था कि बच्चों का हम सहयोग करते हैं, वो किस प्रकार आप सहयोग करते हैं विद्यालय के? यदि वास्तव में कोई बच्चा गरीब है, उसके माता पिता नहीं है, तो कोई फीस नहीं है। ऐसे इंटर में बच्ची आ गई है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं है या गरीब हैं, तो मैं उन्हें फीस पढ़ाता हूँ। और एक माता पिता में से कोई नहीं है तो आज फीस माफ करता हूँ, या और भी जरूरतमंद है, कोई कारण है, अच्छा बच्चा है, प्रतिभाशाली है, किसी को। अच्छा, बच्चों में क्या कहना चाहेंगे सर? सोशल मीडिया से तो पूरा समाज कष्ट हो गया है और सोशल मीडिया कुछ सही बातें नहीं बताता है, झूठा पूछता है। बच्चे कोमल हृदय होते हैं, उनको अच्छे बुरे की जानकारी नहीं होती है, वो नहीं जानते क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अच्छाइयाँ तो नहीं लेते हैं सोशल मीडिया से, बुराइयाँ ज़्यादा लेते हैं। इसलिए मेरा अध्यापकों से भी अनुरोध है कि बच्चों को अगर फ़ोन देते हैं तो अपनी निगरानी में फ़ोन दें और बच्चे जो कुछ देखें उसकी जानकारी रखें, क्या देखा क्या नहीं। नहीं, जैसे सरकार ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस तो फ़ोन से ही शुरू होती हैं। ऑनलाइन क्लास लेना अच्छी बात है, कोहरा है या कोरोना है या कोई समस्या हो गई है, अभी मेरी छुट्टियाँ हो गई तो हमने ऑनलाइन काम किया है। तो मेरा गार्जियन से ये अनुरोध है कि अपने सामने बैठकर ये तो देखें बच्चा काम कर रहा है अथवा फ़ोन में कोई गेम खेल रहा है या कोई और जो खराब वीडियो है जो उसके दिमाग पर असर गलत असर डालेंगे उनको देखना, ये देखना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को लाभ है आपकी नज़र में क्या? ऑनलाइन पढ़ाई जब स्कूल बंद होते हैं तब तो ऑनलाइन के अलावा कोई चारा नहीं है। वैसे जो भौतिक रूप से पढ़ाई होती है, स्कूल में पढ़ाई होती है, वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती।